पीछे की तस्वीरें दिखाई है। तेजस्वी यादव के समर्थकों से भी जानेंगे कैसा माहौल है। तेजस्वी यादव मैदान में उतर गए हैं। खुशी की बात, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आप लोगों के लिए दिल कितना आसान हो गया है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, जान से टकराएगा। गोपाल गंज की लड़ाई क्या तेजस्वी यादव के आने के बाद आसान हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा हम लोग जीत गए। देखिए तेजस्वी यादव के समर्थकों की भीड़ है जो तेजस्वी यादव के साथ है और लगातार यहां लोगों की भीड़ है चारों तरफ। आप दूर दूर तक तस्वीरों में देखिए चारों तरफ लोगों की भीड़ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहाँ रोड शो कर रहे हैं। क्या माहौल है तेजस्वी यादव के आने के बाद यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है और जरूर निकल जाएंगे गुप्ता जी। आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है, अच्छा है माहौल, अच्छा है। गोपालगंज जीतेंगे? जीतेंगे। अच्छा, दोनों सीटें उपचुनाव की जीत रही है महागठबंधन। दोनों सीटें जी, मोकामा और गोपालगंज दोनों। समर्थकों का जोश हाई है और यहाँ गए और लोगों से क्या लग रहा है गोपालगंज का मुकाबला? भैया बीजेपी वर्सेस आरजेडी, और बीजेपी 17 सालों में कुछ नहीं किया है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए क्या क्या किया है। अभी लोगों से रिक्वेस्ट है 3 साल मौका दे, फिर उसके बाद देखेंगे जलवा। ठीक है, तेजस्वी यादव के आने के बाद माहौल यहाँ कितना बदल गया सर? बहुत माहौल बन गया, बहुत बदल माहौल। आपको क्या लग रहा है गोपालगंज का मुकाबला? हम लोग सीधा सीधी कोई हमारा लड़ाई आगे है, कोई हमारा कोई नहीं। साधु यादव कुछ कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। ठीक है, आगे आगे की ओर चलिए। कोई नहीं हम लोग। आपको क्या लग रहा है? यहाँ गोपालगंज 101 विधानसभा क्षेत्र में पूरे जाति संप्रदाय के अपार समर्थन महागठबंधन कैंडिडेट तेजस्वी जी के आने के बाद और माहौल बना है। यहाँ पूरा माहौल एकदम एक लहर में आरजेडी समर्थकों का जोश है। तेजस्वी यादव के आने के बाद आरजेडी समर्थकों का जोश बता रहा है कितना बदला है गोपालगंज का माहौल तेजस्वी यादव के आने के बाद। पूरा गोपालगंज लालटेन मय हो चुका है अभी। अभी की फेजा जो बता रही है कि टोटल लोग तेजस्वी यादव के फेवर में आज। इन लोगों से ही बातें करते हैं। आप लोग तेजस्वी यादव को देखने, तेजस्वी यादव को जानते हैं? तेजस्वी जी को जानते हैं आप लोग? ठीक है, यहाँ तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हैं और आगे भी लोगों से बातें करने की कोशिश होगी हमारी। तेजस्वी यादव पीछे रथ पर सवार है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने बिहार में नौकरियां देनी शुरू कर दी है। और तस्वीरों में देखिए ये समर्थकों की भीड़, ये विशाल नारेबाजी। क्या, हाँ बताइए आप क्या बता रहे थे? मैं यही बता रहा था कि अभी तेजस्वी जी के आने की वजह से पूरा गोपालगंज लालटेनमय हो चुका है। सारे लोग इसमें ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, जो छोटी जातियां हैं बड़ी जातियां हैं मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, सब और लोगों से बात। तेजस्वी जी के आने के बाद क्या लग रहा है गोपालगंज में? बहुत बढ़िया, अच्छा है। आरजेडी जीतेगी यहाँ? जीत जाएगी। देखिए आपको क्या लग रहा है गोपालगंज की लड़ाई? हाँ तेजस्वी निकल रहा है। तेजस्वी जी के आने के बाद माहौल बदला है? हाँ बदला है। देखिए तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हैं और आगे भी लोगों से बातें करने की हमारी कोशिश होगी, एक एक करके कोशिश होगी। क्या लग रहा है आपको गोपालगंज का माहौल? गोपालगंज चुनाव का, चुनाव का कौन जीत रहा है? देखिए आए तेजस्वी जी आए, माहौल क्या लग रहा है? लालटेन जीतेगा? हाँ लालटेन जीतेगा। आपको क्या लग रहा है गोपालगंज की लड़ाई कितनी टसन की है? कंटेस्ट लड़ाई है, कंटेस्ट की लड़ाई है। तेजस्वी यादव के आने के बाद माहौल बदला है? यहाँ सब लालटेन है, एकदम लालटेन जिंदाबाद। देखिए लालटेन 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 मैं हो गया है गोपालगंज, यहाँ से लालटेन निकल रहा है, जय लालटेन। दुकानदारों से बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है गोपालगंज का मुकाबला क्या है? लालटेन छाप है। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी, बीजेपी यहाँ लीड कर रही है। बीजेपी यहाँ लीड कर रही है, बीजेपी लीड कर रही है, लालटेन निकल रहा है। ठीक है आप अपनी बात रखिए, आप लोग आगे चलिए आगे चलिए। आपको क्या लग रहा है गोपालगंज? ठीक है लालटेन है, लालटेन है। और आपको क्या लग रहा है? लालटेन निकल रही है। तेजस्वी यादव के आने के बाद माहौल बदला क्या? पूरा गोपालगंज आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए खड़ा है। आपको क्या लग रहा है गोपालगंज की लड़ाई कितनी टसन की है? बहुत ही टक्कर की है। कौन लीड कर रहा है तेजस्वी यादव के रोड शो के बाद? कुछ प्रभाव यहाँ बदलेगा क्या? हाँ हो सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है।
आपको क्या लगता है? हाँ तो महागठबंधन ही है। महागठबंधन है? हाँ महागठबंधन। क्यों, नौकरी के नाम पर? नौकरी के नाम पर, नौकरी के नाम पर युवाओं का सबसे पहला तो मुद्दा नौकरी है। और तेजस्वी यादव युवा है यहाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है चाचा, क्या लग रहा है गोपालगंज का मुकाबला? अरे बता दीजिए, पान खाते आपको क्या लग रहा है? हमको मालूम नहीं है सर। नहीं लड़ाई, तेजस्वी यादव के आने के बाद माहौल क्या बदल जाएगा गोपालगंज? हम लोग को मालूम नहीं रहता तो हम लोग बता देते हैं। आपको क्या लग रहा है बाबा गोपालगंज का मुकाबला, गोपालगंज की लड़ाई कितनी? गोपालगंज मानिकपुर घर क्या, यहाँ लड़ाई कितनी टसन वाली हो गई है? चलो आगे आगे आओ। तेजस्वी यादव देखिए यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और समर्थकों की भीड़ साथ चल रही है। ये तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए, पुष्प वर्षा हो रही है। तेजस्वी यादव पर पुष्प बरसाए जा रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। और ये नज़ारा गोपालगंज का है, ये गोपालगंज का नज़ारा है जहाँ तेजस्वी यादव पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिहार न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, गोपालगंज की ये तस्वीर जहाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं समर्थकों की एक बड़ी भीड़ तेजस्वी यादव के साथ, और गोपालगंज की गलियों में तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश हाई है तेजस्वी यादव के इस रोड शो के बाद, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गोपालगंज के गलियों में तेजस्वी यादव का जलवा देखने को मिला आज। आपको क्या लग रहा है गोपालगंज की लड़ाई कितनी आसान है, कितना भारी है? एकदम आसान है लालटेन के, लालटेन के लिए, लालटेन के लिए। क्यों बीजेपी क्यों नहीं? ना लालटेन। अच्छा आप, अच्छा आप लोगों को क्या लग रहा है गोपालगंज में क्या होने वाला है? बीजेपी की जीत होने वाली, बीजेपी की जीत होने वाली है। क्या तेजस्वी यादव यहाँ आए हैं तो अपने और वोटरों को मूव करेंगे? कुछ तो मूव करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो जादू में भाजपा का वोट है वो भी साथ रहेगा, साथ रहेगा। ठीक है, आपको क्या लग रहा है गोपालगंज का माहौल? गोपालगंज का समीकरण कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव के आने के बाद कितना माहौल यहाँ बदल गया है? अभी माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो दिन में होने वाला था वो रात में हो रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, ये रोड शो दिन में होने वाला था, फिर से सुनिए, रोड शो दिन में होने वाला था, रात में हो रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव गोपालगंज के सड़कों पर महागठबंधन के कैंडिडेट मोहन गुप्ता के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद रोड शो कर रहे हैं। और आगे की तस्वीरें चलिए दिखाते हैं, आगे की तस्वीरें यहाँ भी लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है गोपालगंज का माहौल, क्या लग रहा है आपको? बोलो बोलो बोलो, लालटेन जीतेगा। नहीं तेजस्वी यादव के आने के बाद? हाँ। देख के बोल रहे हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, पहले ही से बोल रहे हैं। अच्छा आपको क्या लग रहा है गोपालगंज में दादा लड़ाई, लड़ाई क्या लग रहा है गोपालगंज में चुनावी लड़ाई? लालटेन जीतेगा। लालटेन जीतेगा क्यों भैया? भाजपा क्यों नहीं? भाजपा क्यों नहीं, सब जीत जाएगा। चलिए आगे की ओर, गोपालगंज की जनता और गोपालगंज के जनता से सवाल कि जब तेजस्वी यादव सड़क पर उतर गए हैं, विशाल रोड शो करें। हालांकि आपको ये भी बता दें, इससे पहले तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया, और जनसभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी यादव गोपालगंज में रोड शो कर रहे हैं। हालांकि रोड शो का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो चुका था, लेकिन अब तेजस्वी यादव शाम के 5:30 बजे से रोड सड़क पर निकले हैं और रोड शो कर रहे हैं। तो रोड शो में चारों तरफ अगर आप देखें तो उनके समर्थकों की भीड़ आपको जाहिर सी बातें नज़र आ रही होगी। चारों तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं तेजस्वी यादव के इस रोड शो के बाद। आप पीछे की रथ पर सवार तेजस्वी यादव को देख सकते हैं, वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज पहला दिन है जब तेजस्वी यादव गोपालगंज में हैं, गोपालगंज के सड़कों पर हैं और उपचुनाव में, और ये उपचुनाव बेहद ही अब दिलचस्प हो गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात कि त्रिकोणीय लड़ाई है, और त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ जो मैच है वो उसे इंटरेस्टिंग तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव बना देते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की मामी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है भाजपा के टिकट से। और सीधे तौर पर मुकाबला भाजपा से पहले था, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, यानी साफ तौर पे कहें तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इस गोपालगंज के चुनावी मैदान में। लगातार कवरेज जारी है, आप के साथ बने रहे, धन्यवाद।